हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल 45V। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक आलू सूजी कटलेट। स्टे ट्यून फॉर द क्रिस्पी एंड टेस्टी कटलेट। तो आलू सूजी कटलेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कप सूजी एंड 1/2 कप दही। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। हमें यहाँ पे महीन सूजी का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास महीन सूजी नहीं है तो उसको ग्राइंड कर दही यहाँ पे ताज़ा लेंगे। अच्छे से दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पे मिला लिया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि हमारी सूजी फूल जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 पोटैटोस। यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज के पोटैटोस लिए हैं। इनको मैश कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1/2 कप प्याज जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप हरा धनिया। धनिया को भी अच्छे से कट करके डालना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून क्यूमन सीड्स यानी कि जीरा। नाउ वी विल ऐड सॉल्ट। सॉल्ट यू कैन ऐड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब इसको थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। लाल मिर्च पाउडर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नाउ वी विल ऐड 1 टेबलस्पून जिंजर यानी कि अदरक एंड 1 टेबलस्पून चाट मसाला। चाट मसाले से इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अब सारी चीज़ों को मैश करके मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छे से मैश कर लेना है। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। यू कैन ऑल्सो विजिट माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग ब्रेकफास्ट रेसिपी। लिंक इज देयर इन आई बटन। नाउ वी विल मेक कटलेट फ्रॉम दिस। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने हाथों में ऑयल लगा लेंगे जिससे कि हमारे कटलेट ईजिली बन जाएं। तो कटलेट हमें स्मॉल साइज के बनाने हैं, ज़्यादा बड़े कटलेट नहीं बनाने हैं। तो सबसे पहले हम इसको बॉल साइज का शेप देंगे। पहले बॉल साइज का इस तरह से शेप दे देंगे। इसके बाद इसको सारी साइड से जेंटली प्रेस करेंगे। इस तरीके से हमने प्रेस कर लिया है तो हमारे ये कटलेट रेडी है। हमें इसको स्मॉल साइज में ही बनाना है जिससे कि अच्छे से अंदर तक पक जाए। इसी तरीके से हम अपने सारी कटलेट को बना लेंगे। आलू सूजी कटलेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अगर अच्छे से इसको बनाया जाए तो इनको खाने का मज़ा ही अलग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सूजी कटलेट बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो हमने इस तरह से अपने सारे कटलेट्स बना लिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। आप यहाँ पे डीप फ्राई भी कर सकते हैं बट आई विल सजेस्ट फॉर द शैलो फ्राई फॉर हेल्दी ऑप्शन। तो शैलो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। हमें यहाँ पे गैस को मीडियम फ्लेम में रखना है। अब हम अपने कटलेट्स को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि आपको अपने गैस के फ्लेम को लो नहीं करना है वरना हमारे कटलेट ऑयल में डिजॉल्व होने लगेंगे। जब ये लाइट ब्राउन होने लगे तो हमें दूसरी साइड से भी इसको सेक लेना है। हमने यहाँ पे दूसरी साइड से भी पलट करके इसको फ्राई कर लिया है। हमें अपने कटलेट को दोनों साइड से गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है और बीच बीच में इसको पलट कर देखते रहना है। तो हमारे कटलेट्स में गोल्डन कलर आने लगा है। सो आवर कटलेट इज रेडी। तो हम अपने कटलेट को अब किसी ड्राई टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे जिससे कि इसका सारा एक्सेस ऑयल ड्रेन हो जाए। सो आवर कटलेट इज रेडी। प्लीज ट्राई अवर रेसिपी एंड स्टे होम स्टे सेफ। यू कैन सर्व इट विद सॉस और चटनी। सो क्रिस्पी एंड टेस्टी कटलेट्स आर रेडी। इफ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।